कोरोना महामारी के चलते बाजारों की रौनक गायब है, शहर की सभी दुकानें बंद है और सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर का जरूरी सामान लेने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं और कोरोना महामारी का असर सब्जी मंडी पर भी देखने को मिला है। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौद शहर में स्थित सब्जी मंडी में और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर आज आपको कोई दुकान खुली दिखाई नहीं देगी और ना ही आपको यहाँ पर कोई ग्राहक दिखाई देगा, जबकि दिन निकलते ही यहाँ पर दुकानदार अपनी दुकानों को सजाकर बैठ जाते थे और हजारों ग्राहकों की आवाजाही यहाँ पर लगी रहती थी, क्योंकि आसपास के लगभग 150 गांव यहीं से जुड़ते हैं। किसी के घर में शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या कोई छोटा दुकानदार हो, सभी यहाँ से सब्जी खरीदने के लिए आते थे। आपको बता दें, इस सब्जी मंडी की स्थापना 1954 में नगर पालिका के चौथे चेयरमैन जगदीश प्रसाद द्वारा की गई थी। उन्होंने सब्जी मंडी की स्थापना शहर के बीच में इसलिए की थी क्योंकि शहर के लोगों को सब्जी आसानी से मिल सके, लेकिन कोरोना काल के चलते इस सब्जी मंडी की रौनक भी ग्राउंड जीरो पर ख़त्म हो चुकी है और जो हजारों ग्राहक यहाँ पर आवाजाही करते थे, सुबह से शाम तक यहाँ पर चहल पहल रहती थी, दुकानों की रौनक लगी रहती थी और अगर आप इस सब्जी मंडी में आते थे तो आपको यहाँ पर हर सब्जी मिल जाती थी, लेकिन वह रौनक गायब है क्योंकि कोरोना काल में सभी व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। अब देखना यह होगा कि इस मंडी की रौनक कब लौट पाएगी, आखिर कब हमें कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत। सोनू जी, आप क्या करते हैं? मेरा सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का कारोबार है और पिछले एक महीने से, डेढ़ महीने से सब्जी मंडी बंद पड़ी है। घर बैठे हैं, इस टाइम भी इसलिए आए थे, दुकान देखने आए थे, दुकानों में चोरी हो रही है, कांटे उठा के ले गए लोग यहाँ से, बाट उठा के हमारे खाली पड़े हैं और डेढ़ महीने से जीवन बिल्कुल ख़राब चल रहा है, ना तो खाने के लिए, पीने के लिए, हर तरह से परेशान है पैसे से। मजदूर आदमी है, यहीं से अपना गुजर बसर होता था, कुछ किराए पे बैठते थे, घर से ही दे रहे हैं सब कुछ, इतनी परेशानी चल रही है। और फिर भी हम सरकार के साथ हैं, जैसा वो डिसीजन लेंगे सरकार या डीएम साहब, मंडी खोलने के लिए कहेंगे तो खुलेगी और बंद रखने के लिए तो बंद रखेंगे, लेकिन उन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए कि गरीब लोगों की दिनचर्या कैसे चले, क्योंकि हमारा तो जीवन इसी पे आश्रित है, इसी कारोबार पे। महीने से बंद पड़ा और भैया पैसे नहीं है और थैली लगाते हैं तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, लाठी मारते हैं। भैया बताओ क्या करें, थोड़ी बहुत देर को यहाँ पर आ जाते हैं दुकान देखने के लिए, मेरी दुकान में चोरी भी हो गई। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये प्रशासन से तो हमारी यही मांग है कि डीएम साहब का आदेश दें मंडी खोलने के। लॉकडाउन के कारण ये मंडी बंद कर दी गई एक महीने से करीबन हो गया, और जो यहाँ के व्यापारी हैं वे पहले लॉकडाउन में भिखारी हो रहे थे, ये दोबारा और मारा होगी। और यहाँ के जो इस इलाके के कम से कम 150 गांव इस मंडी से जुड़े हुए हैं, जब परचून की दुकान खुली हुई है और सब्जी भी आवश्यक वस्तु में आ गए, जिले की सारी मंडी मार्केट खुली हुई है सब्जी की, लेकिन यहाँ की क्या बड़ों की खुली है, बंद है बस। हाँ, ऐसा क्यों है? बस पता नहीं, हम लोगों ने मांग भी करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लोग जो लॉकडाउन की पालन है उसको करते हुए सब्जी मंडी में 11 बजे सुबह 7 या 8 से 11 लोग खोलने की अनुमति दी जा, शासन का जो आदेश है उसका पालन कराते हुए।